लगभग एक सोर्स होते थे इंफॉर्मेशन के। इसलिए बच्चे के पास ना आपको जज करने का टूल नहीं था। मेरे को लगता है सर आप भी फील कर रहे होंगे कि अब जो बच्चा आपका इस स्थिति में है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि चाहे वो शहर का बच्चा हो, दिल्ली का बच्चा हो, गांव का बच्चा हो, बिल्कुल बीहड़ जंगल के अंदर स्कूल का बच्चा हो, आप ही बच्चा आपको जज कर रहा है। तो चेंज का मतलब यह है कि हाँ ठीक है, हम लोग जहां हैं, मैं समझता हूं कि जहां भी है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो या हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट का अपग्रेडेशन, मैं साथ साथ अपग्रेडेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी बात कर रहा हूं कि आपको और हमको सबको कंटेंट में, आप अगर 8th क्लास पढ़ाते हैं तो 8th क्लास अगर कोई भी साइंस, सपोज मान के चलिए कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं आप, 10th 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो सर अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग आप जिस ढंग से पढ़ाते थे और अब जो आपको ऑनलाइन जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, हमें सीखने में और पढ़ाने की स्टाइल में अगर ट्रांसफॉर्म करना हो तो सर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कौन कैसे पढ़ा रहा है, हमको अपडेट करना होगा कंटेंट में भी अपडेट। मुझे 30 साल करीब हो गए हैं, बड़े से 32 साल, मगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं तो अभी भी पढ़ के जाता हूँ, अभी भी क्लासरूम में जिस दिन पढ़ाना है तो मुझे, मैं तो हर चैप्टर चैप्टर को पढ़ के जाता हूँ। फादर जो है, जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बच्चे के फादर जो है वो हमारे नवोदय विद्यालय की मेस में कुक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, मगर अब आप मान सकते हैं कि वो बच्ची का जो मॉडल है, ये मॉडल नहीं बोलेंगे इनोवेशन है, वो अब इस स्टेज पे है कि अपने वो इनोवेशन को, कंटेंट को, पेटेंट को जितने भी कीमत में बेचना चाहे बेच सकती है, और वो कीमत कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ को गया वो उस कीमत, और कैसे एक्चुअली बच्चे कैसे मॉडल या कैसे आइडिया सिलेक्ट होने चाहिए, मगर मुझे लगता है गॉड गिफ्ट शायद बाई बर्थ मुझे एक स्किल मिली, ड्राइंग की स्किल थी। पहले मैं पेंटिंग खूब करता था मगर पेंटिंग छोड़ दिया, फिर मैंने कार्टूनिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। अब जो है मैं करीब 28 साल हो गया मैं मुझे कार्टूनिंग करते हुए, तो कार्टूनिंग का यूज मैंने टीचिंग लर्निंग में भी किया है, बाहर भी किया है, वो आप मेरे प्रोफाइल से पढ़ लेंगे आइडिया। मेरे कुछ कार्टून जो टीचिंग से बाहर, मैं टीचिंग फील्ड से बाहर के कार्टून में कर रहा था, वो कार्टून जो है एक मूवी बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसके डायरेक्टर को वो शायद पसंद आया तो उन्होंने बाद में परमिशन की बात किया था। हालांकि अगर अगर आप कभी आप देखें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इंटरवल के तुरंत बाद 10 मिनट बाद वो मेरा कार्टून उसमें फीचर किया गया है। या डिस्टेंस काफी था, मगर आज की तारीख में इसी विजुअलाइजेशन का अगर एग्जैक्टली हमारे दिमाग में जो पिक्चर चलता है बच्चों को वही दिखाना है, इसके लिए अब हमको टूल्स, बहुत रेडीमेड टूल्स आ गए हैं, उनका यूज करिए। कि बच्चे की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। मैं उन्हें काफी मोटिवेट करता हूँ तब भी वो क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। तो सर मैं कैसे इससे मतलब बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ? ये समस्या, सतेंद्र सर, सतेंद्र जी सर, सर, ये समस्या मुझे लगता है कि आपने जरूर बोला है, मगर जितने भी, जितने करोड़ और जितने लाख टीचर इंडिया में हैं, जी सर, ये शायद उन, ये सबका क्वेश्चन है ना, कौन सर मानते हैं जी सर, ये प्रॉब्लम सबका है। अब मैं रियली मान लिया कि सत्येंद्र सर बहुत अच्छे टीचर हैं, ये जो 3 सेंटेंस है, बहुत अच्छे टीचर हैं, ये कमाने में आपको कुछ साल लगे, ये कमाने, जिस दिन आपने ये कमा लिया सर, क्लासरूम में डिसिप्लिन से लेके, लर्निंग से लेके, लर्निंग गैप से लेके, सारा जो मामला जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे मोटिवेट नहीं है, डीमोटिवेट हैं, और ये जिस दिन आपने ये कमा लिया कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, अगर आपके बच्चे अगर ये मानना जिस दिन रियलाइज कर दिए कि मेरे सत्येंद्र सर बहुत अच्छे टीचर हैं, ये जिस दिन कमा लिया आपने, उसके बाद आपकी परेशानियां 70% कम हो गई सत्येंद्र नमस्कार, सर। गुड आफ्टरनून सर। सर हाँ, नो डाउट, ये मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है कि जब हम जो है एक ऐसे शिक्षाविदों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने इनोवेशन से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय काम किया है। प्रश्न पारितोषिक या सम्मान से नहीं, उससे बढ़कर एक छात्र को, एक स्टूडेंट को दो, कि हमारे देश के भावी नागरिक हैं,
नेता है, इंजीनियर है, उनको प्रोत्साहित किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, स्पेशली अवर मेंटर रमेश प्रसाद बडूनी जी, कि उन्होंने ना केवल सेशन इस आधार पर किया कि हम किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने आपको आपको बहुत ध्यान से सुना सर, और मुझे लगता है कि मैं इससे मेरा भी, जैसे कि आपने कहा, ये मेरा 24वां साल शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है और कई स्कूलों पर मैंने मैंने काम किया है। आपके अंदर जो मैंने विनम्रशीलता देखी और जिस तरीके से आपने समझाया, खासकर सत्येंद्र सर का के सामने जो प्रश्न था, वो मुझे भी ये प्रश्न कहते थे कि भाई बच्चे मोटिवेट नहीं हो रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं भी ऐसा है कि मैं अपने बालों में काला लगाता हूँ, तो जब मैं काला लगा रहा था तो मेरी बड़ी लड़की है, वो अब वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसने मुझसे पूछा, बोला कि पापा आप ना ये काला क्यों लगा रहे हो, कि दिस वाइट द हेयर आर द सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस, क्यों, वाई वी आर नॉट हैप्पी। तो सिमिलरली मैंने ये महसूस किया कि यही चीजें जो है बच्चों पर भी लागू होती है, कि उनको खुश कैसे किया जाएगी पढ़ाई में, है जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बात कही आपने। और मिल्खा सिंह की का जो एग्जाम्पल देना चाहिए, इसका नाम मुझे अचानक ऐसा इसलिए आया है कि एक जमाना था कि मैं मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा था, उनका 20.2 सेकंड का 200 मीटर का रिकॉर्ड है, तो खैर वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये मिल्खा सिंह जी का जो टायर खींच के दौड़ना, वो जो है उस समय देखकर मुझे लगा कि अब वो समय नहीं, अब वो प्रैक्टिस जो है बोल्ट ऐसी प्रैक्टिस नहीं। वैल्यूएबल टाइम दैट यू आर वेरी रिनाउंड एजुकेशन, नो डाउट, इसमें कहते हुए मुझे जो है बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज वो जो आपने कहा कि बच्चों को इन्वॉल्व करना, वो दैट इज द एक्सीलेंट थिंग, दैट इज द एक्सीलेंट थिंग। हम क्या करते हैं, बच्चों को शांत करा देते हैं क्लास को, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी व्हाट एवर आई एम टीचिंग। ये चीजें आप मुझे बिल्कुल मैं महसूस कर रहा था कि उनका वो कई साल तक वो दब जाते हैं, फिर वो फिर कुछ पूछते नहीं।